मैं भारत की सरकार और जनता की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं स्मरणीय इतिहास से पूर्ण देश सर्बिया और खूबसूरत बेलग्रेड में आकर बहुत खुश हूँ। ये मेरी यूरोप की पहली राज्य की यात्रा भी है। इस दौरे पर मेरे साथ राज्य मंत्री स्वाधी निरंजन ज्योति जी, सांसद श्रीमती रमा देवी जी और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं। भारत और सर्बिया दोनों प्राचीन देश हैं। आधुनिक युग में सर्बिया के साथ भारत के संबंध विशेष रूप से नॉन अलाइंड मूवमेंट के संदर्भ में मजबूत हुई है। बेलग्रेड में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमाएं और नई दिल्ली में जसीफ ब्रॉज टीटो स्ट्रीट और जोधपुर में टीटो चौराहे इस ऐतिहासिक संपर्क का गवाह है। मित्रों, भारत और सर्बिया ने हमेशा एक दूसरे के हितों को समझा है। दोनों देश ने अक्सर प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचारों को साझा किया है। इस द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर मैं अपनी यात्रा के दौरान सर्बिया के लीडर्स के साथ बातचीत करने के लिए उत्साहित हूँ। हम इस बात के प्रशंसा करते हैं कि राष्ट्रपति वुचिज ने पूरी प्रतिबद्धता से इस साझेदारी को आगे बढ़ाया है। भारत और उसके लोगों के प्रति उनके युवाओं और सद्भावना की भ्रांति हमारे भी सर्बिया के लोगों के प्रति ऐसा ही भाव है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे तीन प्रमुख बिजनेस चैम्बर्स आसोचाम, CII और फिक्की का एक हाई पावर्ड बिजनेस डेलीगेशन भी बेलग्रेड आया है। मुझे यकीन है कि हमारे व्यापार प्रतिनिधि अपने समकक्ष के साथ जो आदान प्रदान करेंगे उससे कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, फार्मेसी और ICT क्षेत्रों में व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी। भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सहयोग कार्यक्रम में सर्बिया एक महत्वपूर्ण भागीदारी रहा है। ICT, मैनेजमेंट, फाइनेंस, टेक्सटाइल्स, रूरल डेवलपमेंट, पर्यावरण, लोकतंत्र, योगा और आयुर्वेद के क्षेत्रों में हमारे हाईटेक कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के तहत कई सर्बियन नागरिक प्रशिक्षण प्राप्त करके लाभान्वित हुए हैं। मित्रों, मुझे बताया गया है कि भारतीय फिल्में सर्बिया में लोकप्रिय रही है, जो कि हमारे सामने ये बच्चियाँ भारतीय फिल्म के गाने पर यहाँ नृत्य करते हुए देखकर मुझे खुशी हो रही है। और सर्बिया भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए भी एक नई फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर आया है। कई सर्बियन लोगों का योगा सहित भारत की आध्यात्मिक विरासत के प्रति गहरा लगाव है। मुझे ये भी बताया गया है कि आयुर्वेद को यहाँ ट्रीटमेंट के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ नोवाक जोकोविच को लाखों लोग एक रोल मॉडल और प्रेरणा के रूप में देखते हैं। सर्बिया के कई खेल प्रशिक्षक भारतीय एथलीट्स और खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करते हुए देख मदद कर रहे हैं। आज यहाँ आए सर्बियंस जो भारत के मित्र हैं, उनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूँगी। हम भारत के प्रति आपकी श्रद्धा और प्रेम से मैं अभिभूत हूँ। भारत और सर्बियन के बीच मित्रता और आपसी समझ को मजबूत करने में आपकी भूमिका अमूल्य है। भारत तेजी से एक अभूतपूर्व बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और हमारी GDP 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है। इस दशक के समाप्त होने के पहले भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। पूरे देश में
नई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। भारत अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बनने की अपनी आकांक्षा को लेकर पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हम बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल, ग्रीन एनर्जी और सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। इस परिवर्तन का एक सुखद पहलू जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है महिला सशक्तिकरण। भारत के महिला पुरुष अनुपात में आप महिलाएं आगे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इस वर्ष की प्रतिष्ठित शिक्षा सर्विस परीक्षा में, जिसमें लाखों विद्यार्थी शामिल हुए थे, पहले 4 रैंक लड़कियां ने शामिल किए हैं, हासिल किए हैं। आपका भारत हमारा भारत निरंतर बदल रहा है। वैश्विक मंच पर भारत को एक जिम्मेदार विकास भागीदार, फास्ट रेस्पॉन्डर और ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में पहचाना जाता है। प्रत्येक पहलू एक लीडिंग पावर बनने के हमारे संकल्पों को दर्शाता है, चाहे वो क्लाइमेट एक्शन हो या आतंकवाद का मुकाबला, कनेक्टिविटी हो या समुद्री सुरक्षा, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो या फूड सिक्योरिटी। भारत सक्रिय रूप से इन सभी वैश्विक चर्चाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत एक सभ्यता के रूप में वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, जिसका अर्थ है कि विश्व एक परिवार है। 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम पर आधारित है, हमारी इसी सदियों पुरानी सिद्धांतों की ओर इंगित करती है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अगले 25 वर्षों में भारत को एक महान शक्ति बनाने के विजन को लेकर चल रहे हैं। आज भी इसका एक हिस्सा है, क्योंकि आप भी एक हिस्सा है, क्योंकि आप जो योगदान देते हैं, जो सम्मान अर्जित करते हैं, जो सहयोग देते हैं, उससे भारत के वैश्विक सम्मान में बढ़ोतरी होती है। मुझे विश्वास है कि आप यहाँ भारत का झंडा, भारत का नाम ऊंचा रखेंगे। मैं आप सभी की सफलता और खुशहाली की कामना करती हूँ। धन्यवाद। बाला बाबू, जय हिंद, जय सुरेंद्र।